और आपका आचूर्य में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है द्वारका एक्सप्रेसवे पीएम मोदी टू इनॉग्रेट टुमारो। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें चैनल को, उसके लगे लोग चैनल इंस्टाग्राम लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चेहरे की मुस्कान आपको बता ही रहे होगी कि मेरे पास अच्छी न्यूज़ तो जरूर है द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर, वही आपको बताने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे का सिर्फ गुड़गांव का हिस्सा स्टार्ट करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, तो ऐसा नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा स्टार्ट होने वाला है, यानी कि दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक के पूरे हिस्से को आप ट्रेवल कर सकते हैं 11 मार्च के बाद, यानी कि कल के बाद। दिल्ली का जो शिव मूर्ति महिपालपुर है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, उस हिस्से पे भी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। और वहां पर जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपको शानदार सा एक बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है, और ये स्वागत कर रही है NHAI, क्योंकि यहाँ पर बनकर जो तैयार हो चुका है शिव मूर्ति महिपालपुर के पास, जहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली का हिस्सा द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा, तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है इसके उद्घाटन करने की माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। और ये खबर सबसे बड़ी खबर है मेरे भाई, जब मुझे भी पता चला ना तो मैंने कहा कि कमाल होने वाला है। वैसे तो मैंने कहा था कि पिछले महीने ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये खबर सुनने के बाद आपको भी लगा होगा कि चलो देर है दुरुस्त है, एक महीने बाद ही सही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं ये अच्छी बात है। मतलब दिल्ली से गुड़गांव ट्रेवल करना अब बहुत आसान हो गया है। 20 मिनट में आप महिपालपुर से सीधा पहुंच जाओगे खिड़की दौला तक, जी हाँ। और ये पूरा हिस्सा जो बनकर तैयार हुआ है ना, उसमें हम और आप ड्राइव भी करेंगे, देखेंगे भी कि कितना कुछ काम इस पे रह रहा है। लेकिन अच्छी बात ये कि देखो गुड़गांव का हिस्सा तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसका अपडेट तो मैंने आपको लास्ट महीने दे दिया था कि भाई गुड़गांव का जो पूरा 19 किलोमीटर का हिस्सा है ये तो बन चुका है, L&T ने उसे बनाया था। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये बनाया जा रहा है दिल्ली और गुड़गांव के बीच में, 29 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसपे आपको 8 लेन मिलेगा सर्विस रोड के लिए और 8 लेन आपको मिलेगा मेन कैरेज वे पे। और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI द्वारा किया जा रहा है, और इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। 29 किलोमीटर लंबा ये जो एक्सप्रेसवे है मेरे भाई, इसका 19 किलोमीटर का हिस्सा गुड़गांव के अंदर आता है और 10 किलोमीटर का हिस्सा आता है दिल्ली के अंदर। इससे पहले कि मैं आपको इसके दिल्ली वाले हिस्से का अपडेट दूं, जरा इसके गुड़गांव वाले हिस्से पे एक नज़र डाल लेते हैं, और नज़र डालते हैं ड्रोन के जरिए, ड्रोन शॉट जो कि आपके भाई ने लिया है। और जब आप इस ड्रोन शॉट को देखेंगे तो सच में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, और भारतीय होने का यह आपको गर्व महसूस कराता है, क्योंकि कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जहां पर एक ही जगह पर आपको ट्रम्पेट इंटरचेंज भी देखने को मिलता है, एक ही जगह पर अंडरपास भी देखने को मिलता है, एक ही जगह पर आप फ्लाईओवर को क्रॉस करता हुआ फ्लाईओवर भी दिखता है। तो दृश्य देखकर वाकई में बहुत मजा आता है, और वही दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप पहले एंजॉय कीजिए इसके गुड़गांव वाले हिस्से का, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, और तब तक मैं आपको लेकर चलता हूं इसके शिव मूर्ति महिपालपुर वाले हिस्से पे, जहां से हम और आप ड्राइव करते हुए टूवर्ड्स आएंगे इसी तरफ और गुड़गांव को चलेंगे, और देखेंगे कि इस बीच में यानी कि 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है दिल्ली का, उस पर कितना कुछ काम रह रहा है जी। तो पहले गुड़गांव का जरा नजारा देख लीजिए। तो ये है जगह जहाँ से दिल्ली में शिव मूर्ति महिपालपुर के पास से ये स्टार्ट हो रहा है। यहीं पर आपको देखेगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है उसका बोर्ड NHAI ने लगाया है, और यहीं से ये जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है जिसे कि NH 48 भी कहते हैं, इसी से ये जो स्लिप रोड जा रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड को, ये यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, और यही वो हिस्सा है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का होता है। यहाँ पर इनफैक्ट आपको बोर्ड भी दिखेगा जो कि लगाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है पानीपत चंडीगढ़ जाने के लिए लेफ्ट ले, और ये लेफ्ट लेते ही आप आगे जा सकते हैं और UER के जरिए कनेक्ट होते हुए फिर दिल्ली चंडीगढ़ रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा है ये बनकर तैयार हो चुका है,
ये एलिवेटेड पार्ट जो है इसका, आई थिंक ये वही वाला जो कर्व्ड हम देख रहे थे अभी, है ना, जो उसके ब्रिज के नीचे से जा रहा था। हो सकता है, नहीं म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा तुम्हें भी? मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, फिर से मैंने कहा शायद मेरे वाला कान खराब है। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे ये राइट होते हुए हमारे आपके जाएगा आगे, और हमें और आपको भी राइट चलना है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं राइट वाले हिस्से पे भी आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा है, इसके ऊपर जो स्ट्रीट लाइट लगाई है, इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है नहीं, वो ज्यादा ऊंचा नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पर ना फ्लाइट लैंड होती है, एयरपोर्ट है यहीं पे, और इसी वजह से स्ट्रीट लाइट जो है ना उसको ज्यादा ऊंचा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहीं से लैंड होना स्टार्ट हो जाती है जो फ्लाइट है, और इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। और इससे ऊपर करते तो भाई बहुत हाइट हो जाता, और इस वक्त पे भी आपको दिख ही रहा है कि भाई यहाँ पर देखो फ्लाइट एकदम लैंड करने को तैयार है, ये देख रहे हो, और देखो कितने नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि यहीं पर बस सामने इसको लैंड करना है, यहीं पर रनवे भी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है भाई सामने। और देखो अब इससे पहले जो लगाया गया स्ट्रीट लाइट वो तो यार जमीन के ऊपर है, हाईवे के पार्ट के ऊपर लगाया गया, तो ऑलरेडी उसकी हाइट उतनी है जितनी रहनी चाहिए। एलिवेटेड पार्ट के ऊपर अगर और ऊंचा करते ना भाई, तब तो भाई ये बहुत हाइट हो जाता जो लाइट लगती यहाँ पर स्ट्रीट लाइट। तो इसी वजह से सेफ्टी कारणों की वजह से ये डिसीजन लिया गया, और जो कि बेस्ट भी है। तो मतलब आपको लाइट की लाइट भी मिल जाएगी, और आपको इंडिया में पहली बार ये देखने को भी मिलेगा कि भाई स्ट्रीट लाइट इतने कम हाइट पे लगाया गया है। और अच्छी बात यह है कि जब आप इस हिस्से पे ड्राइव करोगे ना, खासकर ये वाला जो पार्ट है, इस पे आप जब गुजरोगे ना यहाँ से, तो आपको कमाल का दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पर पैलरन में रनवे है, और रनवे पर जो फ्लाइट लैंड करेगी तो आपको दिखेगा भाई। इस तरफ आगे जो टर्नल वाला हिस्सा है इसका जो होने वाला है, उस पर काम किया जा रहा है, और उसके रैंप वाले हिस्से पर काम किया जा रहा है, वो हिस्सा भी दिखाता हूँ, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली का जो पार्ट है ना भाई, उस पर 80% जो काम है वो हो चुका है। सिर्फ ये जो अंडरपास का हिस्सा है ना, इसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, तो यही रिमेनिंग हिस्सा है जिसके ऊपर निर्माण कार्य चल रहा है। इससे आगे जब चलोगे ना तो आपको दिखेगा कि मोस्टली काम जो है वो हो चुका है। ये स्टार वैसे देखोगे तो ये हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त पे भी टीम काम कर रही है, और होपफुली ये भी आज तैयार कर ही देंगे, मतलब कल जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो सर्विस रोड है ना, इस पर भी आपको 4 लेन मिल जाएगा, फिलहाल 2 लेन ही था। और सामने जो ब्लॉक्स देख रहे हो कंक्रीट के जो रखे हुए ना भाई, इसको भी हटा ही देंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इंडिया में कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था बहुत वाइड, मतलब वो बनाया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक इसी तरीके से आपको जो स्टार्टिंग का हिस्सा दिखाया ना वो पूरा मिलेगा भाई, जहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हो। अब प्रधानमंत्री जी कल आने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले, तो इसी वजह से यहाँ पर देखोगे ना तो सिक्योरिटी भी एकदम पुख्ता कर ली गई है भाई, और यहाँ पर बहुत जगह पर आपको आर्मी के जवान जो हैं वो दिख जाएंगे, और खासकर जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है ना फ्लाईओवर वाला, वहाँ पर भी दिख जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो सफाई भी तेज़ी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि भाई इस पूरे हिस्से को शायद हो सकता है कि वो ट्रेवल करें, और इसी वजह से इस पूरे हिस्से पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर ना क्लीनिंग वर्क का काम किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट भी लग चुका है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो हमारे आपके वॉक करने के लिए जगह भी दी गई है, सर्विस रोड भी दिया गया है, और तो और यहाँ पर देखोगे तो टीम द्वारा प्लांटेशन का काम भी किया जा रहा है। वैसे ये प्लांटेशन वर्क बहुत पहले ही हो चुका था, अभी जो पौधे मर चुके हैं उनको फिर से लगा रहे हैं भाई वहाँ पर। पहले तो होना था कि लास्ट मंथ ही स्टार्ट होना है, लेकिन नहीं हुआ तो अच्छा हुआ भाई, देर आए दुरुस्त है, क्योंकि गुड़गांव तक का हिस्सा स्टार्ट करने वाले थे पहले, लेकिन फिर कहा कि यार चलो दिल्ली का हिस्सा ऑलमोस्ट तो बनकर तैयारी हो चुका है भाई, उसको भी स्टार्ट ही कर देते हैं। और ये लो भाई, अब दिल्ली से गुड़गांव जाना आपका आसान हो गया है जी, बहुत आसान हो गया है। इनफैक्ट राइट हैंड साइड में जो वॉल देख रहे हो आप, ये एयरपोर्ट का ही हिस्सा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा ये जो हाईवे का पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हो चुका है पूरा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी काम किया जा रहा है, तो भाई क्लीनिंग वर्क का काम किया जा रहा है, और इस हिस्से पे वैसे कंस्ट्रक्शन का जो काम है ये बहुत पहले ही हो चुका था। मैंने कहा शायद मुझे ही लग रहा है कि प्लेन है। मैं देख रहा हूं कहां पे है, टेक ऑफ किया था ना, काफी लंबी बाउंड्री वॉल है ना ये सारी, एयरपोर्ट क्यों
और ये अंडरपास ऑलमोस्ट सभी के सभी बनकर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज यहाँ पर फिनिशिंग वर्क का काम किया जाना, तो एक ही हिस्से को स्टार्ट किया गया है जिससे हम और आप जा सकते हैं और उसी से हम और आप जा भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही ओपन हो जाएगा भाई, उसके बाद तो सारे हिस्से को इस्तेमाल करो, मर्जी आपकी है भाई, आराम से इस्तेमाल करते हुए जाओ। और इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर भाई कुछ स्टेज कुछ तो बना रहे हैं भाई। ये मुझे एक्चुअली में सच बताऊं तो मुझे आइडिया नहीं है। अब ये देखो, ये चीज देखो आप, यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट लगा है, देखो यहाँ पे लिखा है गुरुग्राम, सोना और जयपुर। तो एक्चुअली ये एलिवेटेड पार्ट ऐसे इस पे कनेक्ट करके और आप फिर लेफ्ट लेते हुए चले जाओगे, और ये यहाँ पर बोर्ड लगा दिया है और गुड़गांव, सोना और जयपुर भी जा सकते हो। अब आप बोलो यहाँ पर ये चंडीगढ़ लिखा हुआ है, तो हाँ भाई इसके जरिए आप चंडीगढ़ भी जा सकते हो यूईआर 2 को कनेक्ट करके। जी यूईआर 2 जो है वो यहीं पे आके मिल रहा है सेक्टर 22 में, जहाँ पर वो लॉन्चर दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा चलो जूम कर देता हूँ, ये लॉन्चर दिख रहा है, तो ये जहाँ पर लॉन्चर है ना, यहीं पर दोनों का मिलन है भाई। यूईआर 2 भी यहाँ पर मिलेगा और जो द्वारका एक्सप्रेस पे है, और इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ जाना अब और आसान हो गया, क्योंकि यहाँ से सीधा आप जो सिंघू बॉर्डर है ना उसके पास निकल जाओगे एकदम बाहर बाहर से। आउटर रिंग रोड को इस्तेमाल करने की अब जरूरत है नहीं, मतलब आप जो पूरा घूम के जाते थे ना, आप पंजाब विभाग होते हुए जाते थे, वो सब एरिया पे अब जाने की जरूरत नहीं है, बाहर बाहर से निकल जाओ, और इसी वजह से ये बनाया गया। अब ये जो एलिवेटेड पार देख रहे हो, ये जो लेफ्ट हो रहा है ये वाला, तो ये आपको लेकर जाएगा गुड़गांव की तरफ, ये यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा और आपको सामने बोर्ड भी दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा जो आप रैंप का हिस्सा देख रहे हो, ये गुड़गांव की तरफ जाने के लिए है, ये जयपुर की तरफ जाने के लिए है। इनफैक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी जा सकते हो, क्योंकि जब आप गुड़गांव की तरफ जाओगे तो फिर सोना एलिवेटेड रोड से कनेक्ट कर जाओगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को भी। और यही यहाँ पर दिखाया गया है, देखो यशोभूमि के लिए कार पार्किंग राइट और लेफ्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये देखिए गुड़गांव और जयपुर आप जा सकते हो लेफ्ट लेते हुए। और ये जो हिस्सा है ये है सेक्टर 22 का, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को देखने के बाद हमें और आपको गर्व महसूस होगा कि भाई क्या कमाल का यहाँ पर व्यू है, क्या कमाल का यहाँ पर दृश्य है। दोनों तरफ हमारे आपके एलिवेटेड पार्ट और उसके नीचे भी यहाँ पर लेन्स हैं, इसके नीचे भी हमें और आपको ड्राइव करने के लिए एरिया मिलता है। भाई साहब कमाल का काम किया है। यशोभूमि हमें आपको उधर तो नहीं चलना है, हमें आपको चलना है इस तरफ। चलो इस तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें आपको देखना है कि इस तरफ कितना कुछ काम हुआ है। वैसे ये जो देख रहे हो, यही है वो रैंप का हिस्सा सामने ऊपर जो देख रहे हो ना, ये आपको गुड़गांव लेकर जाएगा भाई। और ये अभी जो हिस्सा है जो कि आपको लेकर जाएगा गुड़गांव से टुवर्ड्स दिल्ली को, उस एलिवेटेड हिस्से पे काम चल रहा है। ये वाला तो पूरा बनकर तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं ये सोच रहा हूं इसको देखकर मुझे किसकी याद पूरा का पूरा किसकी? तो काम इस पे जो मैं आपको कह रहा था कि रह रहा है वो भाई यहीं पे सबसे ज्यादा, इसी वजह से आपको यहाँ पर एक लॉन्चर भी दिखेगा, ये देख रहे हो। तो ये एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है जो कि अभी बनाया जाना है और इसमें अभी कुछ टाइम लगने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह कि यहाँ पर ड्राइव करने के लिए हमारे आपके ओपन कर दिया जाएगा इसको, क्योंकि आप हम ड्राइव कर सकते हैं इस पर। अभी दूसरी तरफ के ट्रैफिक को बंद किया गया, इसी वजह से एक ही तरफ दोनों ट्रैफिक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है, आपका हमारा बहुत सारा समय बचाने वाला है मंडे के बाद से, यानी कि 11 मार्च के बाद से ये एक्सप्रेस वे, जिसे कि कहते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे। और यहीं पर सामने देखोगे तो ये सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है द्वारका का, जिसे कि यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन कहते हैं, और दिल्ली मेट्रो की मदद से भी आप यहां पर आ सकते हो। जी चलिए, ये है दृश्य। और इस द्वारका एक्सप्रेस पर तो भाई कमाल का दृश्य देखने को मिलता है। पहले इस हिस्से को दिखाता हूँ, फिर गुड़गांव वाले हिस्से को भी आपको दिखाऊंगा। और इसका इस हिस्से का अगर मैं ड्रोन शॉट ले पाता तो बहुत कमाल होता है, वैसे मैं ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप भी समझ ही गए क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि भाई यहाँ पर ना एयरपोर्ट का हिस्सा है इसी वजह से। अब यहाँ पर देखोगे तो इसे NH 248 BB भी कहते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे को। और जैसा मैं कह रहा था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर सकते हो, तो देखो ये लिखा ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्ट्रेट। तो चलो भाई
हम और आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ चलते हैं जरा। वैसे गुड़गांव वाला हिस्सा तो हम और आप ड्राइव कर ही चुके हैं ना, बनकर तैयार जो हो चुका है। हमें और आपको तो बस इस हिस्से पे देखना था कि भाई कैसा दिखता है ये हिस्सा, और सच बताऊं तो कमाल का दिख रहा है भाई। आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो वाकई में सच बताऊं तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगा था कि दिल्ली वाला जो हिस्सा है उसको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन भाई अब ये नितिन गडकरी साहब है, ये कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी। वैसे ये पूरा एक्सप्रेस वे जैसा कि मैंने आपसे कहा 29 किलोमीटर का है, जिसमें से 19 किलोमीटर का हिस्सा तो गुड़गांव में आता है। ये 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है दिल्ली वाला जो पार्ट है, ये बहुत मायने रखता था, क्योंकि इसके स्टार्ट होने के बाद ही लोगों का समय जो है वो बच पाता जब वो दिल्ली से गुड़गांव ट्रेवल करते। तो और आज अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये जो डिसीजन लिया है कि चलो दिल्ली वाले हिस्से को भी स्टार्ट करते हैं और शिव मूर्ति से अब आना और भी आसान हो जाएगा, ये सच में बहुत बहुत कमाल का स्टेप है जो कि लिया गया है यहाँ पर भारत सरकार द्वारा। और इसे देखने के बाद तो सच बताऊं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मुझे भी जब पता चला कि पूरा जो द्वारका एक्सप्रेस का पैकेज वन है और पैकेज टू है, इस वक्त हमारा पैकेज टू में है। ये पैकेज वन शिव मूर्ति महिपालपुर, जहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, जो रैंप वाला हिस्सा दिखाया था एयरपोर्ट के पास, वो पैकेज वन है। ये पैकेज टू में हम और आप ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त पे। और यहाँ पर जो पैकेज टू का जो एलिवेटेड हिस्सा है ना, ये जो नजफगढ़ रोड के ऊपर बनाया है भाई, उसके ऊपर तो आपको ट्रैफिक मूवमेंट दिख जाएगा। और एक्चुअली में यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो हम और आप सीधा कनेक्ट कर जाओगे गुड़गांव को, और यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये बोर्ड पे, ये देखो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्ट्रेट गुड़गांव जयपुर सोना स्ट्रेट। और यहाँ से सीधा हम और आप ये नजफगढ़ रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर बनाया है, ये देखो स्टार्ट है, आपको दिख जाएगा, दिख रहे हैं ना व्हीकल, ये देखिए स्टार्ट हो चुका है ये फ्लाईओवर। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली बॉर्डर है हरियाणा का और दिल्ली का। तो इसको क्रॉस करने के बाद आप एंटर कर जाओगे गुड़गांव में। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको लेन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसी जगह पर टोल प्लाजा होने वाला है। अभी फिलहाल टोल प्लाजा तो बना नहीं है, बट इस हिस्से को स्टार्ट जरूर कर दिया, जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर जाओगे और सीधा दूसरी तरफ निकल जाओगे जहां पर बोर्ड भी लगा है, ठीक है। और यहां से अभी रास्ता बंद है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो हमें और आपको यहां से यू टर्न लेना पड़ेगा, और इस तरफ हम और आप रुक ही सकते हैं। देखो ये है पूरा नजारा यहाँ पे, ये है कमाल का दृश्य इस जगह पर, बहुत कमाल का नजारा है। और जहाँ यहाँ पर रुकता हूँ भाई एक मिनट, वैसे आगे तो हम और आप नहीं जा सकते, बट इस जगह पर बस मुझे रुक कर देखना है इस दृश्य को, कितना कमाल का लगता है ये देखो। ओए ओए, इस जगह को हमने और आपने बनते हुए देखा है, क्या कमाल का दृश्य है इस जगह पर, इस जगह को हमने और आपने बनते हुए देखा है। और देखिए जरा यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट भी बनकर तैयार हो चुका है, और ये दृश्य है नए इंडिया का। वैसे दिल्ली वाले हिस्से का ड्रोन शॉट मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आप गुड़गांव वाले हिस्से को देखेंगे तो भाई आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा, आपको कमाल के इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का नजारा देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा नए भारत का नजारा जो कि बन रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे और उसके आसपास। और जब आप इस नजारे को देखते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इस देश में कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, और उन कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ये भी है जिसे कहते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे। इस द्वारका एक्सप्रेस वे के स्टार्ट होने के बाद NCR में रह रहे लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, या फिर यूं कहूं इस देश में रह रहे लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी ट्रेवल करने के लिए दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हां जाइएगा मत, इस कमाल के ड्रोन शॉट को देखिए जो कि आपके भाई ने लिया है इसके गुड़गांव वाले हिस्से का, जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।
भाई इंडिया में ना नो डाउट मैं कहूँगा भर भर के कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हो रहा है ताकि आने वाले टाइम में जो है ना इकोनॉमी को सही बूस्ट मिल सके। बिल्कुल, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एयरपोर्ट्स को में हाँ कितना ज़्यादा रैपिडली उसमें काम हो रहा है, और जिस तरीके से हम लोगों ने ये द्वारका एक्सप्रेस देखा मुझे तो बहुत बहुत खूबसूरत लगा। ऑनेस्टली बताऊँ तो जो एलिवेटेड पार्ट है मुझे वो बिल्कुल जिस तरह से आप थाईलैंड में जाते हो ना तो उसकी हाँ। राजधानी में जब आप एंटर होते हो तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है कि लाइक एलिवेटेड बहुत सारे रोड्स आपको नजर आते हैं एयरपोर्ट से लेकर आपको शहर तक पहुंचने में जो हाँ, है ना बहुत रोड इधर से जा रहा है उधर से गुजर रहा है, आप देख के हैरान होते हो कि यार लोगों को याद पता नहीं कैसे रहता होगा कि भैया अब ये वाला टर्न लेना है, ये वाला जो है वो आपने ब्रिज पे चढ़ना है, ये वाला अंडरपास आपने यूज करना है। लेकिन तुम देखो सुविधा कितनी है, इनफैक्ट उनके जो मेट्रो जो है उनके साथ वो कनेक्टेड है जो एलिवेटेड पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। यार वो याद हो हम जब वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट तक शहर से एयरपोर्ट तक उनकी मेट्रो जो है वो जाती थी। एग्जैक्टली वो देखो कनेक्टिविटी देखो ना डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की किस तरीके से, और बिल्कुल वही दृश्य मुझे आज यहाँ पर देखने को मिला। स्पेशली एक जो एरिया जो कि बहुत जहाँ पर काफी ज्यादा हम लोगों के एलिवेटेड एरिया नजर आया था बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा था। और दूसरा ये कि इससे मतलब सहूलत बहुत ज्यादा है मुझे लगता है। हम नॉर्मली पहले एक ट्रेडिशनल एक तरीका ही रहता था कि जमीन पर ही आपको ज्यादा बनाए, बहुत हो गया आपको एक दो फ्लाईओवर जो है वो देखने को मिल गए। यार देखें टाइम के साथ साथ जो है ना शहर जो है वो एक्सपेंड जो है वो होते हैं, और अगर दिल्ली की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा शहर जो है आपको देखने को मिलता है। लेकिन लिटरली भाई मैं जो है इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा कि भाई दिल्ली को जो है ना जितना पुरानी दिल्ली को भी संभाल के रखा, नई दिल्ली को एक्सपेंड कर रहे हैं, सुविधाएं जो है वहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल रही हैं। जैसे आपको दिल्ली में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो मेट्रो का नेटवर्क जो है वो देखने को जो है वो मिलता है। फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भाई जैसे नए शहर एक्सपेंड किया जा रहा है उसको एनसीआर के रूप में, तो भाई आपको वहाँ तक रैपिड रेल, आपको वहाँ तक जो है मेट्रो ट्रेन, आपको वहाँ तक जो है हाईवेज एक्सप्रेसवेज हर चीज जो है वो आपको देखने को मिल रही है। अच्छा वैसे मेरे बीच में एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा जहाँ पर आप खड़े होके जो है ना प्लेन्स के लैंडिंग का व्यू ले सकते हैं, मुझे भी वैसे वो जगह बहुत अच्छी लगी। हाँ इस तरह का ना मैंने एक जो है ना बताने लगा कल मैं भी एक रील देखी थी उसमें भाई जो है ना वो मुंबई का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे एक पॉइंट है वहाँ पे लोग जाते हैं एज ए टूरिस्ट, ठीक है, घूमने जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं जहाज जो है ना वो टेक ऑफ करते हैं और लोगों ने वहाँ पे खाने पीने की चीजों के स्टॉल भी लगाए हुए हैं। वाओ मौसम तुम्हारे लिए तो बहुत ही एंटरटेनिंग होगा, वैसे मेरे लिए भी एंटरटेनिंग होगा ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा एंजॉय करते हो ऐसे देखें पॉइंट्स भाई में। मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के पॉइंट्स होते हैं ना तो नो डाउट बिजनेस तो होते ही है, लेकिन आप देखें ना मजा तब आता है जब आपके वहां पे जो है ना ट्रैफिक का फ्लो जो है जो एयर ट्रैफिक है उसका फ्लो भी अच्छा खासा हो। तो इंडियन एयरपोर्ट पे भाई आपको एयर ट्रैफिक जो है बेशक वो डोमेस्टिक प्लेन्स हो बेशक वो इंटरनेशनल प्लेन्स हो आपको अच्छे खासे वहाँ पे फ्लो देखने को मिलता है। अच्छा मैं दृश्य की बात करना चाहूंगी कि जो ड्रोन शो से हम लोगों ने देखे हैं और जो मतलब राउंड अबाउट और कर्व्स हम लोगों ने देखे हैं सीरियसली, और एक तो मतलब रोड जो जैसे सामने है कि राउंड अबाउट के ऊपर ऐसे क्रॉस कर रही है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे आप गेम खेलते हो ना वो गाड़ियों वाली कार्स की रेस वाली, तो उस तरह का दृश्य नजर आ रहा है। आप कहना चाह रही नीचे आप राउंड अबाउट में ड्रिफ्टिंग वगैरह जो है वो देख सकते हैं। अरे नहीं ड्रिफ्टिंग की बात नहीं, मतलब इतनी नीट लुक आपको देखने को मिल रही है, कहने का मकसद। अच्छा वैसे ऊपर वाला जो एलिवेटेड वे है वो मुझे लगता है अभी वो नहीं ओपन हुआ क्योंकि वहां पर आपको कोई गाड़ियां वगैरह जो है नजर नहीं दिखाई दी, तो और आई थिंक जो एंट्रेंस पे भी देखो उन्होंने भी बैरियर्स जो है वो लगाए, लेकिन नीचे वाला जो सारा एरिया वो जो है आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा वैसे एलिवेटेड रास्ते बनाने का ये फायदा, एक तो जगह भी कम इस्तेमाल होते हैं और आपको जो है वो जगह ऑक्यूपाई करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली मैं यही बात उस टाइम पर बोलना लगी थी जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई कि पहले क्या होता था एक दो फ्लाईओवर्स बना दिए, अब पूरा पूरा आपको एलिवेटेड एरिया नजर आता है जिसमें और मतलब दुनिया इतनी आगे चली गई हुई है कि वो तीन चार आप कह लो कि एलिवेटेड आपको लेंस जो है नजर आती है और आसानी कितनी हो जाती है। ये देखे ना इसमें ये भी बड़ा आसानी है ना कि आपने अगर जैसे हमने देखा कि पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है वो एलिवेटेड है तो आपकी ट्रैफिक में काफी ज्यादा स्मूथनेस जो है वो रहती है। नीचे वो वाली ट्रैफिक जाती है जिसने आसपास के एरियाज में टर्न वगैरह लेने हैं, ठीक है ना। ऊपर वो है जिसने भाई जैसे बीच में चंडीगढ़ जयपुर और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का भी बीच में वो दिखाया, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट
बेटे का भाई सीधा रस्ते पे चलें और आराम से जो इंटरचेंज है वहां जाकर आप उतर जाएं। और अब ये देखो कि जितना भी ये एक कॉरिडोर हमें देखने को मिला है, अब इसके साथ साथ डेवलपमेंट कितनी ज्यादा नजर आएगी आने वाले टाइम में। डेवलपमेंट तो नजर आएगी लेकिन लोगों के टाइम की बड़ी बचत होगी, जैसे जो है फ्यूल की बहुत बचत होगी, टाइम की बहुत बिल्कुल अभी जैसे बताया जा रहा है 30 मिनट जो है वो लगेंगे, तो हो सकता है पहले 1.5 घंटा 1.5 घंटा या इससे भी ज्यादा टाइम आपको जो है वो लगता है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना टाइम लगता है। बाकी मैं कहूंगी ये वीडियो देखकर बहुत मजा आया क्योंकि काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोगों ने इसमें देखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज देखे हैं। 11 मार्च को इसका उद्घाटन था और आज है 12 मार्च, तो कल तो उद्घाटन इसका हो चुका हुआ है। तो जरूर बताइएगा आप में से किस किस ने भाई यहाँ पर सफर किया है। और मौसम को तो देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि बाइक्स वाले जो है वो भी जा सकते हैं। देखे ना, मैं कहता हूँ कि भाई बाइक्स वालों से आप बेशक टोल टैक्स जो है वो लेकिन उनको जाने दें। लेकिन हमने जो है ना, जैसे लाहौर में रिंग रोड है आपको बाइक वालों को इजाजत नहीं है, या मोटरवे है बाइक्स वालों को इजाजत नहीं है, तो मेरा ख्याल है इजाजत होनी चाहिए। और अगर कोई वो क्या नाम लेते हैं थोड़ा सा डामाडोल करते हैं जिससे हम वन व्हीलर से जो वो करते हैं, तो भाई उनके अच्छे खासे हैवी चलान होने चाहिए कि अगर वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो चढ़ने से पहले सोचे कि भाई हमने ये हरकत जो है वो नहीं करनी। तो बेशक टोल टैक्स लें लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई बाइक्स वालों के लिए भी ना ये सुविधा होनी चाहिए। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपका मैसेज पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, अगर सुन लिया किसी ने आपका मैसेज। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हम लोग चैनल करें।